नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव हिमाचल के साथ ना कराने की सजा प्रदेश और यहां की जनता भुगत रही है। राज्य में 50 दिन से विकास कार्य ठप है। अगले एक सप्ताह तक भी आदर्श आचार संहिता MCC के कारण नए काम नहीं हो पाएंगे, जबकि प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुए 21 दिन बीत गए हैं, फिर भी प्रदेश में MCC की बंदिशें लगी हुई हैं। आमतौर पर हिमाचल और गुजरात में एक साथ विधानसभा चुनाव होते आए हैं, लेकिन 2017 और 2022 में चुनाव आयोग ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की तिथियां अलग अलग घोषित की हैं। इससे कांग्रेस ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं, मगर कोई असर नहीं हुआ। पिछली बार और इस बार भी गुजरात चुनाव देर से होने की सजा हिमाचल ही भुगत रहा है। वर्ष 2017 में भी लगभग 2 महीने तक MCC के कारण विकास की रफ्तार ठप रही थी। इस बार भी 56 दिन तक विकास कार्य ठप रहेंगे। इसी तरह एक सप्ताह का वक्त सरकार बनने में लगेगा। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के कारण नए काम के टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। इसका ज्यादा असर PMGSY के टाइम बाउंड काम पर ज्यादा पड़ रहा है। बर्फबारी से निपटने के इंतजाम भी विभाग नहीं कर पा रहा है। ट्रांसफर, प्रमोशन और नई नियुक्ति भी लटकी हुई है। चुनाव में देरी के पीछे आयोग चाहे जो भी तर्क दे, इससे कतई जायजा नहीं ठहराया जा सकता कि एक राज्य के चक्कर में दूसरे राज्य की जनता को 2 माह तक सरकार के बगैर रखा जाए और वोटिंग के बावजूद भी रिजल्ट के लिए 1 महीने का इंतजार कराया जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।